हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग। तो आज हम फिर से लाए एक ड्रोन से रिलेटेड टिप्स के ऊपर वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो बेसिकली IMU, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया, व्हाट इज IMU? ये होता है इनर्शिया मेजरमेंट यूनिट। सो इट इज इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, जो कि बेसिकली बनता है दो सेंसर्स की वजह से। एक एक्सेलेरोमीटर का सेंसर होता है, एक एंगुलर सेंसर। मतलब दो सेंसर्स की हेल्प से, मतलब आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाता। तो बेसिकली IMU आपके ड्रोन को बैलेंस करता है हवा में। अगर आप जब जाते हैं रिमोट पे स्ट्रेट जाए, तो वो स्ट्रेट जाता है IMU की हेल्प से, क्योंकि दो सेंसर मिलकर काम करते हैं। एक एंगुलर बैलेंस करता है, एक मोशन की तरफ, मतलब दोनों इकट्ठे काम करके मिलकर आपका ड्रोन बैलेंस करते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसा ही रहता है। तो इसको प्रॉपरली कैलिब्रेट करना को कहते हैं IMU कैलिब्रेशन। और ये कब करना चाहिए, अब वो आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर आपने ड्रोन काफ़ी दूर से मंगवाया, खुद जाके खरीदा, तो पैकेजिंग में आता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पर बेसिकली रिकमेंड किया जाता है जब भी आप नया ड्रोन लेते हैं, तो वो काफ़ी पैकेजिंग में उधर उधर ऊपर नीचे हो के आता है, तो तब फर्स्ट टाइम आप IMU कैलिब्रेशन कर लें। तो वो करने कैसे, वो आप बने रहिए वीडियो से, आगे चल के आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इस पे देते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, टिप्स वगैरह, और इसके अलावा रेगुलेशंस के बारे में भी हम बताते हैं। प्लीज़ हेल्प करो ना, एंड एवरीथिंग वी टेल अबाउट ड्रोन्स। सो इसके अलावा फैमिली व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स आते रहते हैं। थैंक यू। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कब करनी है कैलिब्रेशन। फर्स्ट टाइम तो तब करनी है जब आप अनबॉक्सिंग करें, ये तब जब आपका ड्रोन में प्रॉब्लम्स आएँ। ये वाली नंबर वन प्रॉब्लम, जब आप उसको ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो आपको लग रहा है ड्रोन ज़्यादा, मतलब मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ड्रोन अपने आप ड्रिफ्ट हो रहा है इधर। कई बार ऐसा होता है, कई क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि मैं, हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो अपने आप सर्कल में घूमने लग गया। कह रहे हैं कि हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा ड्रोन अपने, मतलब हम चाह रहे हैं थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, वो थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब आपका बेसिकली एक लाइन में अगर बोलूँ तो कंट्रोल जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता ड्रोन का। जो आप चाहते हैं वैसे ड्रोन उस डायरेक्शन में नहीं जाता, तब आपको सख्त ज़रूरत है IMU करने की। और तीसरा है, अगर आपका ड्रोन किसी भी तरह से एक्सीडेंट, मतलब क्रैश हो जाता है, और लेकिन उसमें पार्ट्स, उसको आप क्रैश करते हैं, फिर आप उसको ऑन करते हैं, ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब भी आप उसको दोबारा कैलिब्रेट कर लें, तो क्योंकि उसका जो बैलेंसिंग है वो हिल जाती है। तो वो करना कैसे है, वो मैं आपको पूरा डेमोंस्ट्रेट करके बताता हूँ मैविक एयर का। अगर मैविक प्रो का भी आप चाहते हैं, बेसिकली प्रोसेस सब में सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मतलब द वे यू डू इज़ ऑलमोस्ट सेम। और कब करना है वो भी मैंने आप सबके लिए सेम है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैविक प्रो का भी मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में, मैविक एयर का आपको मिलेगा। तो बेसिकली इट इज़ यूनिवर्सल फॉर ऑल ड्रोन्स। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ IMU? IMU इज़ इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। इसमें दो सेंसर होते हैं, एक्सेलेरोमीटर, ट्रायड। और सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक फ्लैट सरफेस, और उसको ऐसी कोई एप्स काफ़ी आती हैं, उससे आप सरफेस लेवल एकदम बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए सरफेस में, कहने का मतलब। फिर उसमें आप अपना ड्रोन के जो प्रोपेलर्स हैं उसको उतार लें, और गिम्बल उतार लें, और अपने ड्रोन को ऑन कर लें। और यहाँ से मेन कंट्रोल सेटिंग में जाकर आपने जाना है एडवांस सेटिंग में, और एडवांस सेटिंग में सेंसर में जब जाएंगे, वहाँ आपको ये कैलिब्रेट IMU मिल जाएगा, वहाँ इसे कर दें स्टार्ट। बस उसके बाद जैसे जैसे ये कह रहे हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे फोटो, वैसे वैसे आपको अपना ड्रोन सेट करते जाना है। जब कहें सीधा तो सीधा, जब कहें ऐसे हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो वर्टिकल, बिल्कुल जैसे पिक्चर में दिया गया है बिल्कुल वैसे ही आपको अपना ड्रोन रखते जाना है, और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल मैच करना फ़ोटो के साथ। तो इस तरह से आपकी कैलिब्रेशन बड़े आसानी से हो जाएगी। हर एक ड्रोन का अपना अपना पॉइंट होता है, लेकिन मेथड यही है, सेम है। बाकी जो फ़ोटोज़ के हिसाब से, कहीं में प्रोपेलर्स उतारने पड़ते हैं, कहीं में प्रोपेलर्स नहीं उतारने पड़ते, इसमें प्रोपेलर्स उतारने पड़ते हैं। Mavic 2 Pro और Mavic Pro में नहीं उतारने पड़ते। तो जैसा भी आपका ड्रोन है DJI का, वैसे ही आपको करना पड़ता है। तो
इस तरह से आप कर सकते हैं अपना ड्रोन को कैलिब्रेट। और आपको बता ही दिया, फिर से समराइज करता हूँ, सिर्फ जब आपने नया ड्रोन लिया तब कैलिब्रेट करना है। नंबर टू, तब कैलिब्रेट करना है जब आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहा ड्रोन। नंबर थ्री, अगर आपका ड्रोन क्रैश होता तब करनी है। और नंबर फोर, लिस्ट वाला जो मैं बताना भूल गया, वो है अगर ये खुद ही आपको स्क्रीन पे मैसेज आए कि कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है या सेंसर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन कैलिब्रेट। इसके अलावा कभी भी आपको कैलिब्रेशन को हिलाना नहीं है। जैसे कंपस कैलिब्रेशन का कहा जाता है कि आपको हमेशा कैलिब्रेट करना है कंपस उड़ाने से पहले, मैं रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं, वो चीज़ नहीं है IMU में। IMU तभी करना है जब रिक्वायर्ड हो, और मैंने आपको सिचुएशन स्पेशल वाली बता दी है। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड कमेंट्स कीजिए कुछ भी आपको क्वेश्चन है और आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप इस बारे में ड्रोन के बारे में बताइए, इस इंफॉर्मेशन को आप चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, भर दीजिए कमेंट्स बॉक्स, तो उस पर भी एक अलग से वीडियो बनेगा, पूरा कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और उसके अलावा जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उस पर अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो बन जाएगा। और पिछले वीडियो पे मैं वेट करता हूँ, 15 से 20 कमेंट्स जब आ जाएँ तब उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भरिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। एटलीस्ट 20 कमेंट्स आई रिक्वायर टू डू। अब बात करते हैं गेमिंग की, बिकॉज आई लव गेम, आई एम नॉट ए प्रो गेमर बट आई लव गेमिंग, आई वॉन्ट टू डू गेमिंग। मेरे पास PS4 कंसोल है, उसमें मैं स्ट्रीमिंग भी करता हूँ डेली, ट्राई करता हूँ डेली, कई बार नहीं होता टाइम तो नहीं, 9-10 के बीच में मैं करता हूँ, एक दो मैच लगाता हूँ, पबजी आजकल खेल रहा हूँ। तो बेसिकली अब मैं PC पे भी शिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कंसोल पे मैंने काफ़ी जगह मैंने रिसर्च किया है कि कंसोल गेमिंग से अब लोग शिफ्ट होकर PC गेमिंग पे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। तो मैं सून एक बिल्ड भी करूँगा PC, तो एक एक्सक्लूसिव वीडियो आएगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप देखना चाहेंगे वो PC बिल्डिंग वीडियो इस चैनल पर, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू, कीप रॉकिंग, जय माता दी, यो, बाय। मुझे भी वीडियो तो बनाया ही नहीं।